मेरे में अंदर क्या है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ जाती है ना, तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, कैसी बात कर रहे हो? मैं अकेले भी अपना करियर बना सकता हूँ। अगर तुमने जिस दिन वीडियो बनवा लिया फिर बनवा के रहूंगी, अगर तुमने ऐसे किसी दिन तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा उसी दिन बिल्कुल खत्म, फिर मिलना भी कम कर दूंगा एक साल में एक बार, अगर मुझे पता भी चलेगा कि तुम वीडियो बना रही हो। सो हे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं मिलने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद सचिन से। बाकी बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे पर्सनली, इंस्टाग्राम पे DM आ रहे थे कि आप लोगों की वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो ये वीडियो उसी पर्पज़ पे बननी है, हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, बाकी ये चीज़ आपको पता चलेंगी सचिन के आने के बाद। बाकी मैंने कैमरा लगा दिया है कैमरामैन से, एक बार मैं सचिन को कॉल करके बुला लेती हूँ, क्या बोलते हैं क्या नहीं। बहुत दिनों के बाद मिलूंगी, मुझे बहुत डर सा भी लग रहा है, बाकी उन्हें पता नहीं है मैंने कैमरा लगाया है, बताऊंगी भी नहीं। हेलो, आने वाले थे ना, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड किया था व्हाट्सएप पे। हाँ जल्दी आओ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सचिन आने वाले हैं। बाकी आप लोगों को रीज़न वीडियो में ही पता चलेगा कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मिलते हैं सचिन के आने के बाद। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस सचिन आ चुके हैं, एक बार दिखा देना। कैसे हो? कैसे हो? कितने दिनों हैं? कितने दिनों बाद तुम मिल भी नहीं रहे हो, बताओ अभी। सुंदर हो गए हो तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, इसीलिए अच्छे लग रहे हो। कैसे हो? इतने दिनों में आया हूँ। कैसे हो? ठीक हो? सुनो, ये पी लिया भाई, अभी पिया है। नहीं नहीं नहीं, चिप्स खाओगी? नहीं खाना मुझे। खाओगी? खा, तुम्हें देखकर पेट भर गया मेरा। नहीं रहने दो, तुम्हें देखकर पेट भर गया। बढ़िया इतने दिनों बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम अकेले खुश हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हें भूल रही हो तुम, जब हम पास कितनी दिक्कत आ रही तुम्हें पता है ना। अभी तुमने सोच लिया है क्या सच में वीडियो नहीं बनाएंगे सचिन? हाँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैंने तुम्हें समझाया नहीं था, वीडियो मतलब बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, अभी तुम्हें कब पता है ना, बनाएंगे बताओ। हमारे हमारे साथ दो फैमिली जुड़ी हुई है, हमारी और तुम्हारी, अब वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई हमारे लिए, मेरे तो लिए कुछ बीच कोई गलत में तुमने YouTube छोड़ दिया ना। किसने कहा छोड़ दिया पागल, वीडियो भी मैं अलग तरीके से बनाता रहा हूँ, जैसे ही मेरा बैकअप अच्छा हो जाएगा, अच्छे बनने लगेंगे, फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे। नहीं उतार चढ़ाव तो चढ़ता है ना, बनाते हैं ना साथ। चुप रहो, गाल में मार दूंगा अभी हमें, हमें मैं मार दूंगी। ज्यादा दिन तक एक रहना है ना, पास रहना है ना, तो ज्यादा दिन तक पास रहना, बट मुझे साथ में ही काम करना है तुम्हारे। हाँ तो साथ में नहीं रह पा रही, अभी कुछ टाइम तक का गैप ले लो प्लीज, समझो थोड़ा सा। तुम कितना तुम ऐसी लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई जब लड़ाई अभी अभी हम मिले ना इतने दिन में, इसी लेकर जब रोज मिलने लगेंगे ना तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता की आई लव यू। पहले आई लव बाद मिल लो, कुछ भी वो नहीं है ना। अरे नहीं पागल, भूल गए ना मेरे को, बहुत याद किया था मैं, मैंने बहुत किसी मुझे तो बहुत गुस्सा आता भी नहीं। तो मतलब चाहते हो देखना, चाहते हो देखना किसी लड़की को ठीक से देखता नहीं हो, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? जिंदगी सुनो ना, तो जी सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, बताओ ना, बना लेते हैं साथ में, बताओ अभी, जब बोल दिया तो बोल दिया, फिर सीरियस हो, नहीं तो नहीं, हम बनाएंगे बाद में जब हमारा, मैं अपना करियर अकेले के दम पे खड़ा कर लूंगा। बाबू मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, भूल गई अच्छा क्या बोल रही अभी नहीं बस नहीं मुझे बनाना है तुम्हारे साथ।
अरे यार मैं हम साथ में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, कृति वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों तुम्हारे? इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम दोनों ज्यादा पास रहते हैं, अभी हमारी फाइनेंशियल दिक्कत बहुत खराब है, तो हमारे मतलब लोग कोई भी बोल देता है कि ये मतलब प्यार के उसमें पड़े हुए, इनको करियर का कुछ भी नहीं पता, कोई भी ना, हम साथ में रह के ठीक से काम भी नहीं कर पाते। अभी जब दिक्कत बड़ा करूँगा अपने अपनी जिंदगी में, तब तक मैं कोई लड़की थोड़ी ला रहा हूँ अपनी जिंदगी के लिए। साथ में बनाऊंगा, पर अभी कुछ टाइम को गैप चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, अब तुम बनाओगे। हाँ बनाऊंगा, बोल दिया तो बोल दिया। मेरे साथ बनाओगे, कब बनाओगे? मार दूंगी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और आज भी इतने बड़ी मुश्किल से मिलो, तुम इतना ज्यादा बिजी हो गए हो ना, एक महीने में एक बार मिलिया करो। बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को अब तुमसे। एक महीने में एक बार मिले, अब मैं डेली आऊंगी, थप्पड़ मार दूंगा। मुझे पता चल गया तुम कहाँ जाते हो आजकल वीडियो बनाने। कहाँ जाता हूँ? मुझे पता है, अब मैं आऊंगी तुम्हारे पास। सुनो प्लीज मान जाओ ना, साथ में मिलके करते हैं ना काम, उतार चढ़ाव। अरे नहीं है उतार चढ़ाव की बात यार, तो तुम सोचते हो कि लड़की के साथ रह के करियर नहीं बनता? नहीं बनता है, पर तो फिर क्यों मुझसे क्यों अलग कर दिया? नहीं करवा पाता मेरे में अंदर क्या है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, तो मैं कुछ भी छोड़ सकता। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, कैसी बात कर रहे हो? देखो वीडियो और कोई भी चीज मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है, जो जितना जरूरी तुम हो, मैं अकेले भी अपना करियर बना सकता हूँ। बट मुझे तुम्हारे साथ, मेरे को तुम्हें तुम्हारे तुम्हें सपोर्ट करना होना नहीं चाहता। हम साथ में रहेंगे तो अलग हो जाएंगे पागल, ज्यादा साथ में रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी दिन ऐसी लड़ाई होगी, तुम अलग मैं अलग। अब देखो कम कम लड़ाई होती है, हमें कम बातचीत होती है, कम सारी चीजें होती है। बस तुम मेरे पे ट्रस्ट रखो, एक दिन मैं बड़ा करूंगा कुछ ना। तो बड़ा करोगे तो मेरे को क्यों, मैं साथ में हूँ ना तुम्हारे, मेरे साथ रह के बड़ा करो ना। लड़के के साथ रह के बर्बाद कर देती। एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, ये तुम्हें पता नहीं है? एक औरत का ही हाथ होता है, वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, और वो वाइफ भी हो सकती है, वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तुम जो बना दो मैं गलत फहमी ज्यादा है ना। सुनो ना, नहीं सुनो प्लीज, मुझे नहीं जाना। वो वाली शैतान मूवी लगी है, मैं कल से आऊंगी तुम्हारे पास, मैंने बोल दिया, और मैं वीडियो बनाऊंगी। कोई वीडियो नहीं, हम बनाएंगे। शैतान मूवी लगी है, बहुत अच्छी है, हम बनाएंगे। मुझे नहीं देखना। सबसे पहला काम कि मैं कुछ दिन बाद नोएडा छोड़ दूंगा, कहीं और शिफ्ट। तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे? नहीं पागल, तुम हमेशा रहो, कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ मैं दोस्तों के पास। कर देना बुरी बात, चुप रहो, कभी कभी आया करूंगा मिलने। कहीं नहीं जाओगे तुम? पक्का जा रहा हूँ, फ्लैट ले लिया। मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जाने दूंगी, मैंने बोल दिया दोस्तों के पास शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, किसी के पास। अभी मेरा मुझे काम करना है, अभी बहुत बड़ा करना है, दिन रात काम। तो तुम तुम्हें पता मेरे उस वाली आईडी पे इंस्टाग्राम पे 1,00,000 हो गए। मैं देखते रहती हूँ, देखती रहती हूँ। कांग्रेचुलेशन बोला, तुम बहुत वो हो गए हो, चेंज हो गए। तुम चेंज नहीं हो, मैं अपने दोनों के लिए सोचता हूँ कि हमें आगे रहना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना। तो फिर मेरे साथ बनाने में क्या अंडरएस्टिमेट? अब नहीं करूंगी ना, सॉरी, पक्का प्रॉमिस, अब लड़ाई नहीं करूंगी। अब ज्यादा करोगी मैं चला जाऊंगा, फिर गुस्सा। अब गुस्सा मतलब मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, प्लीज मैं प्लीज आराम से समझ। आज पहली बार मिले हैं ना, तो मैं कसम है अगर ज्यादा बोलूं। हंसी और स्माइल के साथ हम दोनों मिलेंगे, जब तुम्हें पता है मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, तो मैं कब मना करूं? तो मैं छोड़ कब रहा हूं? मैंने बोला मैं छोड़ रहा हूं पागल, मैं तो अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूं भाई, बस तुम्हें ना छोड़ रहा ना कुछ भी। जब मैं कुछ बड़ा कर लूंगा तब तुम्हारी मम्मी से आके मिलूंगा मैं। यही तो मुझे तुम्हारी बात गंदी लगती है। कोई बात नहीं, ना ज्यादा बोलने देते हो ना कुछ। कभी ज्यादा अच्छा बनना भी खुद के लिए बुरा हो जाता है पागल। पहले आई लव यू, थप्पड़े मारूंगा जिसके पहले बोला आई लव यू, ले पहले बोला आई लव यू, बताओ भी पहले बोलो, बोलो बोलो। ज्यादा करो किसी और को लड़की को आई लव यू बोल दो, कम बोलो, पहले आई लव यू बोलो। एक पता है एक लड़की जब तुम चली गई तो एक लड़की ने, देखो तुम पहले एक लड़की के बारे में बोला आई लव यू, नहीं बोल रहे, नहीं सुनो सही, एक पहले आई लव यू बोलो। एक लड़की ने मुझे बहुत मिसेस किया प्यार के लिए, एक नहीं दो तीन लड़की। तुम लड़कीबाजी करो ना, यहाँ पे मुझे बात ही नहीं करनी, बस हो गया। जाओ फिर, पता बहुत बोला कि तुम ऐसे यार, मैं जो ऐसा लगता हूँ कृति को अच्छा क्यों नहीं लगता? मैंने कब बोला तुम मेरे को बुरे लगते हो? फिर मैंने उनको मना कर दिया कि यार मेरे दिल में कुछ कोई है तो सो सॉरी, तुम फ्रेंड ठीक हो। ऐसे तो तुमने बोला ही नहीं होगा, मुझे तुम्हारी कसम, वीडियो देख लेना, तुम्हारी कसम ठोक खा रहा हूँ।
नो नहीं है, क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस नहीं तुम्हारी कसम, मना कर दिया था कि मेरी जिंदगी में है। मुझे ये पता था कि अगर मैं गलती से भी कर लूंगा तो तुम मुझे ऐसे कतला ऐसे काटती ऐसे करके धीरे धीरे। तो तुम सोचते हो किसी और के बारे में? पागल है, सोचता नहीं, पर मुझे डर है तुम्हारा कि खो दूंगा और फिर प्लस तुम जीने नहीं दोगी मुझे। सुनो ना यार, कर लेते हैं ना साथ में, क्यों दिमाग खराब? अभी काम नहीं करें, काम की बात छोड़ो ना, मैं अब कर रहा हूँ ना अकेले काम, तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हारे पास इसीलिए आई थी। नहीं पागल हो, काम तुम क्यों सचिन मेरे साथ ऐसे, तुम बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज्यादा। तो पानी पियोगी कहीं, भरा हूं इसमें, ठीक है नहीं ले लूंगा। तुम अपनी करते हो, अपनी मन की करते हो, तुम सब अपनी चलाते हो हमेशा, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। अपनी नहीं चला रहा हूँ यार, सब समझदारी दिखा रहा हूँ पागल, जो हमारा रिलेशन आगे तक बना रहे। समझदारी दिखा रही हूँ, देखती हूँ मैं तुम्हारी समझदारी कितने काम आती है। आज तो मैं मैंने शैतान बोल दिया तो मैंने बोल दिया, शैतान मूवी दिखा रहा हूँ मैं, छोड़ूंगी नहीं आज तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बनवा के रहूंगी। अगर तुमने जिस दिन वीडियो बनवा लिया फिर कैमरा से लगा दिया, अगर तुमने ऐसे किसी दिन तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा उसी दिन, बिल्कुल खत्म, फिर मिलना भी कम कर दूंगा एक साल में एक बार, अगर मुझे पता भी चल गया कि तुम वीडियो बना रही हो, याद रखना। ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम? ज्यादा नहीं कर रहा। कहाँ लेके जा रहे हो? शैतान मूवी दिखाने। सो गाइज, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी गाइज, मैंने सचिन को कैमरे के बारे में क्यों नहीं बताया, आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम पे सचिन ने कैसे बोला, अभी वो साथ में काम नहीं करना चाहते। बाकी गाइज, आप लोग कोई भी वीडियो से रिलेटेड सचिन को कोई भी पर्सनली DM मत कर देना, बाकी आप हाई हेलो कर लेना, लेकिन ये मत बोलना कि भैया आपकी वीडियो ऐसी थी ये वो वगैरह, वीडियो से रिलेटेड कोई जिक्र ही मत करना, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो खुद का काम करे, तो पर्सनली अभी मैं उनको बताऊँगी भी नहीं, मैं खुद से ही अपलोड करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर तो वो ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे, तो मैं अपने एंड से ये वीडियो लाऊंगी और आप लोगों को अपडेट दूंगी और आगे भी कंटिन्यू करूंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वो अभी फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो गाइज मैं यहाँ पे फेसबुक पेज उनका मेंशन कर रही हूँ, तो प्लीज़ सचिन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।